इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बचपन के गलत कार्यों की वजह से जो कमजोरी हो जाती है उनके लिए मैं बेहद और लाजवाब नुस्खा मैं जो ना लेके जो ना हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों ये मकवी ये नुस्खा जो ना मकवी अजीब है ये नुस्खा दोस्तों कि ये नहायत अजीब जो ना तरीके से तैयार करके ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके चंद रोज़ा इस्तेमाल से गलत कार्यों की वजह से जो ना चेहरे पर कमजोरी हो जाती है और इसी तरह लागरपन हो जाता है तो उनके लिए के इस्तेमाल करने से चेहरा लाल और गुलनार बन जाता है, खूबसूरत चेहरा जो ना के बन जाता है और कुव्वत बा में इस कदर इजाफा होता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है, इंसान जो ना संभाल भी नहीं सकता, संभालना मुश्किल हो जाता है। अनोखी ये जो ना अजीब जो ना ये जो ना तर्ज का नुस्खा है। दोस्तों कि अभी हम चलते हैं नुस्खे की तरफ से। आप ऐसा करें, दो गज मुरब्बा ज़मीन को आप जो ना अलहदा अलहदा खोदें, मिट्टी उससे जो ना ज़मीन से निकालें और खोद कर जो ना काबिल काश्त बनाएं, इसी तरह बनाएं जिस तरह फसल जो ना उगाने के लिए हम ज़मीन को तैयार करते हैं और जो ना काबिल काश्त हम जो ना कि ज़मीन को बनाते हैं, फिर बीज हम डालते हैं, फिर जो भी बीज डालते हैं जो अल्लाह पाक करम से वो फसल जो ना उगना शुरू हो जाती है, बीज उगना जो ना शुरू हो जाता है। इस नुस्खे को भी इस तरह आपने करना है, दो गज की मुरब्बा ज़मीन को जो ना अलहदा अलहदा आप जो ना ऐसा करें खोदें, जब जो ना खोद जाए और काबिल काश्त की ज़मीन बन जाए और एक तोला संगिया सफ़ेद आप जो ना ले लें, सफ़ेद को सफ़ूफ़ करें, सफ़ूफ़ करके नसफ नसफ ऐसा कि जो ना कि दो मुरब्बा ज़मीन जो आपने खोदा था उसमें आप जो ना डाल दें, डाल के जो ना दोनों जो ना आप ऐसा करें कि ऊपर से मिट्टी आप जो ना कि डाल दें, दोनों जो ना काश्त ज़मीनों की मिट्टी में जो ना ऊपर मिट्टी मिला दें। इसके बाद पाँच तोला उसके ऊपर आप जो ना कि मेथी दाना डालें, मेथी दाने के बीज जो ना डालें, पाँच तोला मेथी दाने दोनों जो ना बो दें। जब वो मेथी दाना उगेगी, जब मेथी जो ना उगे तो फिर ये तरीका आप जो ना शुरू करें, तो मंदा जजिया जो ना तरीके से आप जो ना आप खिलाना जो ना शुरू करें। उसके जो पत्ते हैं आप उनको जो ना ले सकती हैं, ले के उनको बारीक करें, तीन माशे से छः माशे तक गोश्त या जो ना तरकारी मिलाकर आप जो ना खिलाएं। दोस्तों की ये ऐसा नुस्खा है कि 40 दिन इस दौरान में गज़ा जो ना मुर्गन हो और इसी तरह खट्टी गज़ाएँ और खटाई वगैरह से आप जो ना परहेज़ करें, इसके फवायद दोस्तों के बेशुमार हैं। 40 दिन में रंग जो ना कि सुर्ख हो जाएगा। इसके अलावा जिसको जो ना पुराना दम्मा है, मर्ज है, दम्मे का मर्ज है, उनके लिए भी कि ये जो ना कि लाजवाब नुस्खा है। ज़ौफ़ अज़ा के लिए भी जो ना अक्सीरी ये जो ना सफ़ूफ़ है, जिनके जो ना अज़ा और जोरों के अंदर जो ना कमज़ोरी आ गई है, ज़ौफ़ हो गया है, उठने बैठने जो ना कि आवाज़ें आती हैं और जो ना कमज़ोरी हो गई है, उनके लिए भी बहुत ये जो ना दोस्तों के ये जो ना कि लाजवाब नुस्खा है। इसी तरह इसके जो ना और भी फ़ायदे ये हैं कि बचपन की गलत कार्यों या शबाब की या नौजवानी की बेजुना इतदारियों से जो कुव्वतें कमज़ोर हो गई हों तो उनमें जो ना असर नौ बफजल ज़िंदगी जो ना ताज़ा लहर तो उन्हें जो ना लगती है, इंसान ऐसा समझे कि दोबारा जो है ना कि नए तरीके से जवानी उसके अंदर जो है शुरू हो जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ना कि गौर से सुने कि इसका इस्तेमाल जो है ना कि मौसम सरमा में करना चाहिए, जो पत्तियां बाकी रह जाएं, मेथी दाने की जो पत्तियां बाकी रह जाएं वो आप जो ना खुश करके रख सकती हैं ताकि कोई जो ना और बेचारा इस मर्ज का जो ना कमज़ोरी का शिकार हो तो आप जो ना कि दूसरों को जो ना काम में दे सकती हैं, उनके लिए भी कि ये जो ना फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि मेथी दाना जब उगेगी नीचे जो है ना कि संगिया सफ़ेद होगी उस पर ये उगेगी, संगिया सफ़ेद की तो कुव्वत है ना कि मेथी दाने के पौधे में जो ना आ जाएगी, ये जो ना अल्लाह पाक का करम है। तो इसलिए ये नुस्खा बहुत जो है ना कि लाजवाब है। दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और बेल की घंटी को ज़रूर दबाएँ ताकि नए कीमती जो आने वाली वीडियो जो आप तक पहुँच सके, और कमेंट्स में जो भी आपकी कमी पेशी है वो आप जो है ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। और खिदमत खल का जज्बा रखते हुए कि अपने जो ना दोस्त अहबाबों को ज़रूर सेंड करें अगर कोई इस मर्ज़ का शिकार है कि वो भी इससे जो ना बच सके और गलत कार्यों की जो ना कमज़ोरियाँ हैं, बेअतदाली और जो नौजवानी की बेअतदाली कमज़ोरी जो हो गई है वो भी इससे जो ना ठीक हो जाएगी। जो इंसान नहीं बना सकता वो जो ना हम